કપિલ મિશ્રાએ કેજરીવાલ સામે મોરચો ખોલી દીધો છે. ગઈકાલે સીબીઆઈને ફરિયાદ કર્યા બાદ હવે કપિલ મિશ્રાએ કેજરીવાલ સામે અનિશ્ચિત મુદતના ઉપવાસને લઈને આંદોલન શરૂ કર્યું છે. સાથે જ આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓના વિદેશ પ્રવાસનો ખર્ચ ક્યાંથી આવ્યો તેની જાણકારી માંગી છે. આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ સંજયસિંહ, આશીષ ખેતાન, સત્યેન્દ્ર જૈન, રાઘવ ચડ્ડા, દુર્ગેશ પાચકના વિદેશ પ્રવાસની માહિતી સાર્વજનિક કરવા પણ કપિલ મિશ્રાએ માંગ કરી છે. કપિલ મિશ્રાએ આપના પાંચેય નેતાઓ પર દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરવાને લઈને આરોપ લગાવ્યા છે. ગાંધીચિંધ્યા માર્ગે અરવિંદ કેજરીવાલના વિરુદ્ધ કપિલ મિશ્રાએ સત્યાગ્રહ શરૂ કર્યું છે. આપણે તેમની સાથે જ વાત કરીશું. કપિલજી, જીસ તરહ સે આપને કહા હૈ કે બિના કુછ ખાએ જબ તક જવાબ નહીં મિલતા હૈ તબ તક યે સત્યાગ્રહ લગાતાર શરૂ રહેગા, ક્યા લગતા હૈ કે અરવિંદ કેજરીવાલ કભી ભી આપકે સવાલો કા જવાબ દેંગે? એક તો યે અરવિંદ કેજરીવાલ જી કે વિરુદ્ધ નહીં કર રહા, केवल इन पांच नेताओं की विदेश यात्राओं की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कर रहा हूं. बड़ी छोटी सी मांग है. अगर इनके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो इन्हें यह जानकारी दे देनी चाहिए. आपने दो दिन पहले भी अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ लेने के आरोप लगाए, उसके बाद कल ईवीएम वाला जो डेमो दिया गया असेंबली के अंदर, क्या लगता है ये सब उन मुद्दों को छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा है? पब्लिक यह सब जानती है, सबको समझ आ रहा है क्या हो रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात चुनाव के पहले हमें ईवीएम दे दे इलेक्शन कमीशन, हम दिखाते हैं कि किस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है. क्या लगता है ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए की हरकत है? ध्यान भटकाना चाहते हैं असली मुद्दों से, तो कुछ भी तमाशा करने की कोशिश कर रहे हैं. और जिस तरह से अब लगातार आप कब तक बैठे रहेंगे? जब तक अरविंद केजरीवाल जी जवाब नहीं देते. और क्या कोई मांग है? सिर्फ एक ही मांग है, विदेशी दौरों की जानकारी सार्वजनिक करें. बहुत छोटी सी मांग है. अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो ये मांग बड़ी आसानी से पूरी की जा सकती है. अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि जो भी आरोप उनके ऊपर कपिल द्वारा लगाए गए वो सब गलत है. ये जानकारी सार्वजनिक कर दे विदेशी दौरों की. चोर ने तो कभी किसी चोर ने आज तक नहीं बोला कि मैं चोर हूँ. ऐसा भी कहा जाता है कि आप कुमार विश्वास के करीबी हो, बीजेपी के एजेंट. तीन चीज़ों के बहाने बना रहे हैं. कभी कुमार विश्वास का नाम लेते हैं, कभी बीजेपी का एजेंट बोलते हैं, कभी बोलते हैं पहले क्यों नहीं बोला. इन तीन चीज़ों की आड़ में सारे जवाबों को छुपा लेना चाहते हैं. इन तीन चीज़ों को साइड में रखिए. ये बताइए कि विदेशी दौरों पर कहाँ कहाँ गए और किसके पैसे से गए. इसका जवाब देने में और देश को बताना है, अकेले मेरे को आके तो बताना नहीं है. अच्छा, 11 तारीख को आपको ACB में भी जवाब देना है. सत्याग्रह शुरू हुआ है तो किस तरह से आप ACB और CBI जितनी भी शिकायतें कर रहा हूँ सब में जाऊँगा. धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. तो साफ तौर पर કપિલ મિશ્રાએ જે આંદોલન શરૂ કર્યું છે, સત્યાગ્રહ શરૂ કર્યું છે, તે ત્યાં સુધી લગાતાર શરૂ રહેશે જ્યાં સુધી અરવિંદ કેજરીવાલ તરફથી જવાબ